चूंकि हमारा शुभ शनिवार है और शुभ शनिवार को हमारा एक टारगेट होता है कि हमारे समण संगी जितने भी समण समणी हमारी बहनें और भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा आज लोग जुड़े। और जो शनिवार का जो कॉन्सेप्ट था, जो शुभ शनिवार का कॉन्सेप्ट था, जब हमारे पूर्वज एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और इकट्ठा होकर के आपस में चर्चा परिचर्चा करते थे और महापुरुषों की बातें किया करते थे, क्योंकि जो समाज इकट्ठा होता है वो कभी हारता नहीं है। विपश्यना में एक बात कही जाती है कि स्वयं को जानो, खुद को जानो। और जब आदमी स्वयं को जान लेता है तो वह आदमी एक मुक्ति के मार्ग पर चलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, और जो समाज इतिहास से कभी सबक नहीं लेता है तो इतिहास उसका कभी सम्मान नहीं करता है, और वो व्यक्ति अपने वर्तमान को भी अच्छा सा नहीं बना सकता, ना ही वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। आज का जो मुझे विषय दिया गया, जो हमारे गोल्डन रूल 10 गोल्डन रूल है, उसमें पहला ही गोल्डन रूल आज मुझे दिया गया है केवल समण। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग समण हैं, इसकी जानकारी हमें सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग समता में रहने वाले लोग हैं। हम लोगों के अंदर एक तरह से समान भाव वाले हम लोग हैं, और हम एक साथ बैठ करके जातियों में बटे हुए लोग नहीं हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में प्रवेश किए जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए या इसे हम पर शासन करने के लिए हमें छोटी छोटी जातियों में बांटना शुरू किया। लेकिन हम लोग समण हैं, ये पहचान हमको हो जानी चाहिए। और हमारा जो ये समण संघ है, इस समण संघ में केवल समण ही प्रवेश कर सकते हैं। और समण कौन है इसमें? हम लोग SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो सभी लोग समण हैं। और ये हम लोग समण हैं जब हम इस भाव को अपने अंदर पैदा करेंगे कि हम लोग सब समण हैं, तो हमारे अंदर भाईचारा पैदा होगा। तो ये पहला ही गोल्डन रूल ये बताता है कि हम लोग सब समता में रहने वाले लोग और एक समानता का व्यवहार आपस में करने वाले लोग हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे बीच में आकर के हमको तोड़ने का काम किया और हमको बांटने का काम किया। आज वो बटा हुआ जो समाज है, जो आज हम बट चुके हैं, वो हमारे विकास में बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि जो समाज बिखरा हुआ होता है उस पर कोई भी आसानी से उस पर शासन कर सकता है, और वही काम आज हमारे बीच में हो रहा है। क्योंकि एक तो हम समाज में बटे हुए लोग हैं, 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, ऊपर से हमें कुछ हमारे ही समाज के लोगों ने कभी जातियों के माध्यम से, कभी संगठनों के माध्यम से हमको बांटने का काम किया। तो हम लोग बिखरे हुए लोग हैं, और हमारा जो समण संघ है, ये समण संघ जितने भी समण लोग हैं, जितने भी हम एक समानता के आधार पर अपने आपस में व्यवहार करने वाले लोग हैं, हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत से कमाने वाले लोग हैं, जो आचरणवान लोग हैं, वो सब लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो हमारी ताकत बनेगी। तो ये जो पहला गोल्डन रूल है इस पर हम लोग सब अमल करें, और ये मान करके चलें कि हम लोग समण हैं। क्योंकि हम लोग जब एक विचारधारा में बन जाएंगे, जब एक जैसी सोच हमारी होगी, जब एक जैसी विचारधारा हमारी होगी, और वो विचारधारा हमारे महापुरुषों की दी हुई विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल करके जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो समाज इकट्ठा रहता है वो कभी हारता नहीं है, उस समाज पर कोई शासन नहीं कर सकता। तो इस देश में लगभग, अगर हम मान लें कि आज इस देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या में अगर हम उस 15% को निकाल दें तो हम इस देश में लगभग 108 करोड़ बनते हैं, और इस 108 करोड़ लोगों को इस देश में 6,743 जातियों में बटे हुए लोग हैं। लेकिन जब ये 6,743 जाति बाबा साहब की उस बात को पहले माने कि हम लोग, बाबा साहब ने हमें तीन जगह तीन पोटलियों में बंद करने का काम किया था,
एससी, एसटी और ओबीसी। तो पहले तो हम उन तीन पोर्टलियों को हम सोचें कि हम केवल तीन ही जगह हम हैं, तीन ही जो हिस्सों में हम हैं, पहले तो उसकी हम पहचान करें। फिर हम ये देखें कि अगर हम पिछले समय में जाएं, अगर बुद्ध काल के समय में हम जाएं, तो उस समय पर जातियां नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग उस समय के समण लोग हैं, जो हम मेहनतकश लोग हुआ करते थे। हमारा एक ही समाज हुआ करता था, हमारी एक ही पहचान हुआ करती थी कि हम लोग समण हैं। तो इस पहचान को हम बरकरार रखें और ये मान करके चलें, जब ये विचारधारा जन जन तक पहुंचेगी कि हम लोग समण समाज के लोग हैं, हम लोग समण लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और जब हम इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम जीत जीत की तरफ, हम लोग विजय की तरफ अग्रसर होंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर मुझे विचार देना था। सभी के लिए साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।